क्रिएटिव एकेडमी सरसवे में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 7 तक करने जा रहे हैं, जो कि आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2nd के 2nd पार्ट तक किया था, तो 3rd क्वेश्चन आपका है कि इफ टेन टू ए इज इक्वल टू कोट ए माइनस के 18 तो फाइंड ए। तो हमने इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या कहा था कि दोनों चीज़ आपके पास सेम होनी चाहिए, या तो आप इसको कोट बना लो टेन को, या फिर आप कोट को टेन बना लो। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया बच्चों, हमने इसमें टेन को कोट बना लिया। कैसे? आपके पास एक फॉर्मूला था कि कोट 90 माइनस के थीटा बराबर टेन थीटा था, तो आपने इसको पूरे को थीटा मान लिया। तो कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू टेन 2a, तो आपने टेन 2 हो गए। इस प्रकार से तोड़ कर लिख लिया फॉर्मूले। इधर आपका कोट ए माइनस के 18 सेम टू सेम चल रहा आपका, आपने कोट से कोट को कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास 90 माइनस के 2a बच गया, इधर आपके पास ए माइनस के 18 बच गया। अब आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट को एक साइड में करना है और वेरिएबल को एक साइड में करना है। तो ए और ए को आपने एक साइड में कर लिया, और जैसे आप 18 को उठा के इधर लेगा तो आपका प्लस हो जाएगा। 2a में आपने एक को ऐड कर लिया, आपके पास 3a आ जाएगा। अब 90 प्लस के 18 बराबर 108, और एक वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, आप 3 को उठा के 108 का फॉर्मूला एक काट के आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 36 डिग्री। तो एक वैल्यू आपके पास कितनी आई, 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है बच्चों, आपने इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है आपका कि इफ टेन ए इज इक्वल टू कोट बी प्रूफ दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कि यदि टेन ए बराबर कोट बी है तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। कॉपी वही है पिछले वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, या तो टेन को कोट में कन्वर्ट कर लो या फिर कोट को टेन में कन्वर्ट कर लो। हमने इसमें क्या किया बच्चों, हमने इसमें टेन को कोट में कन्वर्ट कर लिया, तो टेन को आप क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस के ए लिख सकते हो। तो इसके बाद आपने क्या किया बच्चों, इधर भी आपके पास कोट हो गया, इधर भी आपके पास कोट हो गया, आपने कोट से कोट को कैंसिल आउट कर लिया, तो इधर आपके पास 90 माइनस ए बच गया, इधर आपके पास बी बच गया। ए को आप इधर ले भी प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये आपको प्रूव करना था। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ, इफ सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस के 20 फाइंड ए। यदि सेक 4a की वैल्यू कोसेक ए माइनस के 20 है, तो आपने इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, या तो इसको कोसेक में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको सेक में कन्वर्ट कर लो। ठीक है बच्चों, तो आपने सेक 4a को कोसेक में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया है। तो सेक 4a को मतलब कि सेक a को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक 90 माइनस के a, तो आपने इसको पूरे को a मान लिया। और कोसेक a माइनस के 20 आपके पास सेम टू सेम, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, इधर आपके पास क्या बच गया बच्चों, 90 माइनस के 4a इज इक्वल टू a माइनस के b। फिर क्या किया आपने, a वालों को एक साइड में कर लिया, आपके माइनस का था, तो आप इसको उधर ले आपका प्लस हो जाएगा, और b इसको आप इधर ले आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। तो 4a में आपने एक को ऐड कर लिया, आपके पास 5a आ जाएगा, और 90 में आपने 20 को ऐड कर लिया, आपके पास 110 आ जाएगा। एक वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया इसमें बच्चों, 5 को उठा के इसके आप मिले काट के आपके पास 22 डिग्री। तो एक वैल्यू आपके पास आएगा आगे बच्चों, 22 डिग्री। सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर इंटर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कोस ए प्लस कोस ए अपॉन टू। कि यदि ए बी सी और क्या है एक ट्राइंगल के अंदर के जो कोण के कोण है, तो आपने इसमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटे दो बराबर कोस ए बटे दो होता है। देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल में क्या होता है आपके पास कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होता है बिल्कुल। तो आपने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री पुट कर लिया। आपके पास यहाँ पर क्या, आपके पास बच्चों यहाँ पर बी प्लस के सी है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, ए को उठा के आप इधर ले आए, क्योंकि आपने यहाँ से बी प्लस के सी वैल्यू निकालनी है, तो ए को उठा के आप इधर ले, आपके पास माइनस हो जाएगा। अब इसके अपॉन में 2 है और इधर भी 2 है, तो आपने दोनों साइड में क्या कर लिया बच्चों, 2 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो डिवाइडिंग बाई 2 है बोथ साइड, ये कर लिया आपने बच्चों यहाँ पर डिवाइड। क्लियर, 180 को जब आपने 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास 90 आ जाएगा, ए पॉइंट 2 एज इट इज। अब क्वेश्चन में आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ किसके साथ थी, साइन के साथ थी, बी प्लस सी अपॉइंट 2 ये किसके साथ थी बच्चों, साइन के साथ थी। तो टेकिंग साइन बोथ साइड, आपने दोनों ओर का साइन ले लिया, इधर का आपने साइन ले लिया, इधर का भी आपने साइन ले लिया। ये बात क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपके पास सेम टू सेम। अब साइन 90 माइनस के ए, इसको आपने पूरे को ए मान लिया, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस ए लिख सकते हो। तो ये चीज़ बच्चों आपने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, फॉर्मूले लगाओ और आंसर पाओ, यही मेथड है बच्चों इसमें। एक्सप्रेस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, आपने इसको क्या करना है, 0 और 90 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करना है।
साइन 62 को सेवन साइन 67 को आपने तोड़ लिया 90 माइनस के 23 में, और कोस 75 को आपने तोड़ लिया कोस 90 माइनस के 15 में। तो साइन 90 माइनस के ए कोस ए, तो कोस 23, कोस 90 माइनस के ए साइन ए। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप हमें कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, अगले एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू बच्चों।